Welcome to First Lady with Meghna Pant, a show on First Post where we talk to India's foremost leaders, activists and thinkers. I'm very pleased to have with us today a gender equality activist, Trupti Desai, who's also the leader of the Bhumta Brigade, who've been advocating the entry of women into places of worship to much success. Trupti ji, thank you so much for joining us here today. Trupti ji, the first question I wanted to ask you is, you know, aap logon ne kafi significant strides liye hain because of your activism. Aaj women allow ho rahi hain Shani Shignapur temple mein, Mahalakshmi temple mein, abhi jo Aishbagh mosque hai Lucknow mein, Trimbakeshwar temple mein. In sab mein se aapko kya lagta hai ki aapki sabse badi achievement kaun si hai? To sabse pehle jo hai wo Shani Shignapur ka andolan hamare liye important raha, kyunki wahan pe bahut bada virodh hua tha. वहाँ पे जो है आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी बदनामी की थी. आंदोलन जब शुरू हुआ वहाँ से लेके मतलब ख़त्म होने तक सभी लोग मुझे डरा रहे थे कि शनि भगवान जो है वो बहुत उग्र देवता है, आपके मतलब कुंडली में वो आते हैं. अच्छा. तो कहीं ना कहीं हर बार जब मैं आंदोलन करने जाती थी तब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आता था कि कल तक तृप्ति देसाई का हाथ नहीं रहेगा, पैर नहीं रहेगा, शनि भगवान जो है उनको मतलब जो है वो पनिशमेंट देंगे, ये गलत काम कर रही है. तो कहीं ना कहीं मैं भी भगवान की भक्त थी, मुझे पता था कि ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी कभी, तो इसे धर्म का रंग देने का बहुत लोग प्रयास कर रहे थे. तो ये धर्म की लड़ाई नहीं थी, वहाँ पे समानता आनी चाहिए. जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर पुरुष जाते हैं वैसे ही महिला जानी चाहिए. इसलिए वो हमारा आंदोलन था. और बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि ये आंदोलन अभी छोड़ दो, आपके घर वाले आपके खिलाफ जाएंगे. उसके बाद तो उन्होंने कहा था कि आपकी सात पीढ़ियाँ भी आएगी तो ये शनि प्लेटफॉर्म के ऊपर महिलाएं नहीं जा सकती, तो आप पागल की जैसे जो है वो ये चीज़ें कर रही है. लोगों ने मुझे पागल भी ठहराया था. तो मुझे एक मतलब मेरी जो विल पावर थी वो बहुत स्ट्रांग थी और मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं हम जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरा जो है वो मन से कर रहे हैं, विल पावर हमारी स्ट्रांग है. हाँ. हम आक्रामक हो रहे तो भगवान जरूर हमारे साथ रहेंगे. और अच्छा. कहीं ना कहीं शनि भगवान भी उन्होंने भी उनके माता की कोख से ही जन्म लिया है, तो उनको भी कहीं ना कहीं बुरा लगता होगा कि हम मेरे यहाँ पे महिलाएं क्यों दर्शन के लिए नहीं आती है. तो कहीं ना कहीं भगवान के मन की जो बात है वो हमारे जो वकील रहता है वैसे हमारे माध्यम से हो रही थी. तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं की बहुत बड़ी जीत है, भगवान ने हमारे इसमें साथ दिया है. और उसके बाद तो हमने जहाँ जहाँ पे आंदोलन किया, त्र्यंबकेश्वर हो या महालक्ष्मी टेम्पल हो, 1956 का जो एक्ट है उसकी जो है वो पूरी ये करने के लिए कोर्ट ने भी आदेश दिए कि सभी जाति धर्मों के पुरुष और महिलाओं को समानता का दर्जा सभी हिंदू मंदिरों में होना चाहिए, वो भी इसकी माध्यम से ये ऑर्डर हुआ. और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत थी. शनि शिंगणापुर का आंदोलन जो लोग बोल रहे थे कि कभी भी सक्सेस नहीं हुआ था, 400 साल ये प्रथा है, तो बहुत लोगों ने कहा था 400 साल लगेंगे इसके लिए, आप नहीं रहेगी, आपके आगे कोई काम नहीं करेगा. तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि 4 महीने में ही 26 जनवरी को ये आंदोलन मैंने फर्स्ट किया था. और लोग बोलते हैं कि यू नो ये मेन की विक्ट्री थी और वुमेन की नहीं, आपको फिर क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, ये महिलाओं की जीत थी. ये जो हमारा संविधान है, संविधान ने जो समानता का अधिकार दिया है उसकी जीत थी. और लोगों का जो कहना है कि मेल वहाँ पे गए, मेल वहाँ पे जाते ही थे, लेकिन जो गुड़ी पाड़वा को उनकी जो प्रथा थी, तभी मैंने भी कहा था कि अगर उस दिन शनि प्लेटफॉर्म के ऊपर विलेजर्स गए तो मैं तुरंत जो है वो एक घंटे के बाद वहाँ पे प्रवेश करूँगी. उसके बाद तो उन्होंने विलेजर्स के ऊपर भी रोक लगाई थी. तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए विक्ट्री थी और ये महिलाओं की जीत है. गुड. और आपको क्या लगता है जब कॉर्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, यू नो दीज मैटर्स ऑफ जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस की मैटर्स हैं, कॉर्ट्स को क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व हो रहे थे उनका इसमें कुछ संबंध ही नहीं था. हाँ. ये महिलाओं की लड़ाई थी और इसमें कोई जो धर्म की लड़ाई बोली जाती थी कि हिंदू धर्म में मंदिर ये टारगेट हो रही है. हाँ. मैं कौन हूँ?
और मैंने कभी धर्म की लड़ाई कभी नहीं की. हम तो मानवता धर्म मानते हैं. उसके बाद तो हमने हाजी अली दरगाह में भी आंदोलन किया. और मेरा मानना है कि सभी जाति धर्मों में जहाँ जहाँ महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया जा रहा है और शुरुआत मंदिरों से हो रही है. हमारे जो आंदोलन, बहुत लोग बोलते हैं कि आप मंदिरों में क्यों आंदोलन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम जहाँ पे झुकते हैं, जहाँ पे नमस्कार करते हैं, जो भगवान समानता का आदर्श देते हैं, वहाँ पे ही अगर असमानता है तो ये बिल्कुल गलत है. तो उसकी शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए. और इस आंदोलन के माध्यम से महिलाओं की बहुत बड़ी जो है वो रेवोल्यूशन शुरू हुई है. और अभी आप देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हुए हैं, उसके लिए महिलाएं ये आंदोलन का आदर्श लेके रास्ते पे उतर रही है, विरोध कर रही है. तो आपने जो मेंशन किया अभी कि नो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडिया में, तो आपको क्या लगता है सबसे रिग्रेसिव क्या टेम्पल्स हैं, चर्चेज हैं, सिनेगॉग्स, गुरुद्वारा, जैन टेम्पल्स, मॉस्क, आपके एक्सपीरियंस में क्या है? मुझे लगता है कि सभी जाति धर्मों के जो मंदिर है, हर एक धर्म के जाति के जो सभी लोग रहते हैं, उनको सबसे उनका जो मंदिर रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है. तो सभी जाति धर्मों में ये भेदभाव किया जाता है. तो हमें लगता है कि ये सभी जगह मंदिरें खुली होनी चाहिए. और ये सिर्फ अभी जो आपने देखा होगा कि हमने तीन आंदोलन की, अभी तो कार्तिकेय मंदिर है, आपने देखा होगा शबरीमाला में जो केरल का मंदिर है वहाँ पर एंट्री नहीं है. बहुत सारी ऐसे मंदिरें हैं या दरगाह है, मस्जिद है, वहाँ टेम्पल्स का इशू नहीं है. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऑल अक्रॉस रिलीजन. बिल्कुल ये अक्रॉस रिलीजन का सब्जेक्ट है. और हमारी जो ये लड़ाई है वो हम अभी नेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं. इसके बारे में अभी हमने मैंने जो है वो नरेंद्र मोदी जी को भी एक लेटर लिखा है, मैं उनसे मिलने वाली हूँ. और आंदोलन हर एक जगह में नहीं कर सकती, हर एक जगह में नहीं पहुँच सकती. जब आंदोलन किया जाता है कोई ना कोई कोर्ट में जाता है, कोर्ट का निर्णय बहुत सालों के बाद आता है. तो उसके लिए मेरा जो मानना है कि सभी जाति धर्मों के जितने भी प्रार्थना स्थल हैं, जितने भी मंदिर हो, चर्च हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, सभी जगह महिलाओं को जहाँ पे असमानता है वहाँ पे समानता आनी चाहिए. इसके लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाना चाहिए. और मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अगर ये कानून बनाया तो बिल्कुल महिलाओं के लिए अच्छे दिन आएंगे. अच्छे दिन तो अच्छा ही है, आई होप हो जाए. पर आपके एक एलिगेशन जो है कि आप लोग यू नो अपने एजिटेशन में बहुत फिजिकल फोर्स यूज़ करते हैं, कि अपना मसल पावर दिखाते हैं. आपके हर एजिटेशन में लॉयर भी पहुंच जाते हैं, ऑफन टाइम्स आप हॉस्पिटल में भी पहुंच जाती है. तो क्या ये ज़रूरी है कि हर एजिटेशन में फिजिकल फोर्स यूज़ किया जाए? फिजिकल पावर्स हम नहीं यूज़ करते, लेकिन आपने देखा होगा कि आंदोलन ही ऐसे हुए थे कि वहाँ पे ये विरोध करना पड़ा. मतलब पुलिस भी ऐसी टेररिस्ट की तरह हमें पकड़ते थे. अच्छा. ऐसे उठा के फेंक देते थे. अच्छा. मतलब हम बोल रहे थे कि संविधान ने दिया हुआ अधिकार है, हमें मंदिर तक तो पहुँचने दीजिए, उसके बाद हम पे कार्रवाई कीजिए. लेकिन हमें ये 70 किलोमीटर पहले ही डिटेन करते थे, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते थे. फिर वो वहाँ के जो लोकल लोग रहते थे उनको लगता था अरे हम जीत गए, ये हार गए. तो कहीं ना कहीं फिर जीत हार का फैसला ऐसे जो है वो मूड आता था. तो कहीं ना कहीं मसल पावर यूज करनी चाहिए. न्याय व्यवस्था पे हमारा विश्वास है, कायदे कानून पे विश्वास है. लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी कानून कायदा भी हाथ में लेना पड़ता है. जब यहाँ तक पानी आता है तो हम देख नहीं सकते. और अगर हम इतने एग्रेसिव नहीं होते, मसल पावर यूज नहीं की होती, तो मुझे लगता है कि और 40 साल भी ये निर्णय नहीं होता. अच्छा ठीक है, फेयर इनफ. पर यू नो एक और एलिगेशन जो बुमता ब्रिगेड के अगेंस्ट काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आप लोग इनफ नहीं कर रहे वुमेन्स मूवमेंट के लिए, कि यू नो इतने इश्यूज हैं जो हमारे कंट्री में वुमेन फेस कर रही हैं आजकल, यू नो स्पेशली सेक्सुअल वायलेंस. तो क्या ये जो आप कर रही हैं टेंपल वर्शिप या यू नो जो भी है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, क्या ये रियली इम्पैक्टफुल है और क्या ये सिग्निफिकेंट है वुमेन्स मूवमेंट? नहीं, बिल्कुल इम्पैक्टफुल है. और ये जब आंदोलन शुरू हुआ था 6 महीने, तो मतलब मुझे जब कॉलेज गर्ल्स मिलती है या कहीं भी फार्मर्स जो महिलाएं वो मिलती है, बहुत सारी अलग अलग महिलाएं मिलती है, तो वो कहती है कि हम जब आंदोलन देखते थे तो हमें भी लगता था कि हमने भी कुछ करना चाहिए. तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लग रहा है कि हम विरोध करने रास्ते पे उतरना चाहिए. और ये हमारा जो आंदोलन था सिर्फ ये शुरुआत थी मंदिरों के यहाँ से. लेकिन अभी जो अत्याचार
अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, इसके खिलाफ जो है वो हम लाठियां लेके अभी रास्ते पे उतरने वाले हैं। डेफिनेटली आई होप सो। आपके ये सब करने में यू नो जो आप कॉजेज अंडरटेक कर रही हैं, आपका मोटिवेशन क्या है, कोई स्टोरी है, आप कैसे यू नो आपका आपके काम के बारे में तो हमें काफ़ी कुछ मालूम है, पर आपका बैकग्राउंड क्या है, यू नो आप इस इशू को लेकर कब इंटरेस्टेड हो गई थी? मेरे घर में तो कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, हाँ। कोई सोशल में नहीं है, हाँ। लेकिन पहले से ही मुझे जो है वो सोशल में इंटरेस्ट था। मैं हाँ। स्कूल में थी तब मॉनिटर थी, जब कॉलेज में थी तब जीएस थी, तो कहीं ना कहीं मैं नेतृत्व जो ये रहते हैं तो कहीं ना कहीं बोल्ड थी मुझे, मतलब मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तब भी हमारे सभी टीचर मुझे टॉम बॉय करके बुलाते थे, क्योंकि कभी भी महिलाओं के मेरी जो फ्रेंड्स रहती थी कोई किसी ने कुछ उनको धमकाया, किसी ने कुछ किया तो मैं वहाँ पे जाके मारती थी। अच्छा। तो ये पहले से ही इंटरेस्ट था। अच्छा। और उसके बाद 2003 में मैंने सोशल वर्क शुरू किया कॉलेज के बाद, और पहले तो मैंने झोपड़ी में जो लोग काम रहते हैं हाँ। उनके यहाँ से काम के लिए शुरुआत की, और बाद में जो है वो करप्शन के खिलाफ हो, अन्याय के खिलाफ हो, कामगारों के ऊपर जो अन्याय होता है उसके खिलाफ, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ ये आंदोलन की, और फिर भूमाता ब्रिगेड की जो स्थापना है वो करके ये आंदोलन शुरू हुआ और ये यहाँ तक पहुँचाया अभी। यू नो आपने तृप्ति जी इतने स्ट्राइड्स लिए हैं पर अभी बहुत काम बाकी है, जैसे कार्तिकेया टेंपल में या हाजी अली दरगाह में या मंगलचंदी टेंपल में, तो आपको क्या समटाइम्स इरिटेशन होती है कि यू नो आपके जो एक्टिविज्म है वो बड़े स्पेसिफिक टारगेट्स के यू नो जरिए वर्क करता है, बट जो इनहेरेंट जो साइकी है जो हमारी सोसाइटी की उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब माइंडसेट इंडिया का भी चेंज नहीं हो रहा, तो आपको क्या फ्रस्ट्रेशन होता है समटाइम्स? बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में तो मेरी इतनी बदनामी की थी कि मतलब अलग अलग जो फोटोज़ थे या मेरे खिलाफ जो पोस्ट वगैरह जो आते थे तो बहुत लोगों को लगा था कि ये पोस्ट अगर हम महिलाओं के बारे में उनका अगर चरित्र हनन करेंगे तो ये पीछे जाएंगे, लेकिन जब मेरे ही खिलाफ पोस्ट आने लगे तो मेरे हस्बैंड ने खुद कहा था कि आप जो है वो उस पे ध्यान मत दो। मेरे घर वालों ने इतना बड़ा सपोर्ट किया, तो मुझे लगता है कि ये जो सोसाइटी जो साइकी है वो 10% है। अच्छा। आपने देखा होगा कि मैं जब आंदोलन हम करते थे महिलाओं को तो महिला ही रिएक्ट होती थी, विरोध करती थी, तो ये 5% महिलाएं, 95% महिलाएं जो है वो हमारे साथ है। अच्छा। वो आंदोलन में आ नहीं सकती लेकिन घर पे टीवी बैठ के हो, फोन करके या कहीं से भी हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा ये था, तो इरिटेट हम कभी नहीं होते हैं। और हम जब एक काम करते हैं तो हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए, हमें खुद लगना चाहिए कि अरे कितना भी विरोध हो हम कर रहे हैं वो सही है। तो मुझे लगता है कि कोई भी विरोध करे या ना करे हमें उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और जब खुद महिलाएं जिनके यू नो यू आर फाइटिंग फॉर दैट जेंडर वो खुद प्रोटेस्ट करती है तो फिर आपको कैसा लगता है? नहीं, जो महिलाएं विरोध करती है, आपने देखा होगा कि शनि शिंगणापुर में आंदोलन शुरू था, त्र्यंबकेश्वर में शुरू था, तभी कोल्हापुर में महालक्ष्मी के यहाँ पे शुरू था, और वहाँ पे जो महिलाएं आई वो विलेजर्स थी। अच्छा। बाहर की महिलाएं कोई भी नहीं थी। ओके। और विलेजर्स की भी सभी महिलाएं नहीं थी। हाँ। लेकिन जो पुरुषी मानसिकता के जो लोग हैं जो इसे विरोध कर रहे थे, जो इसे धर्म का रंग ला रहे थे, उन्होंने इन महिलाओं को हमारे अगेंस्ट खड़ा किया था, तो ये महिलाएं मन से हमारे खिलाफ कभी नहीं थी। अच्छा। शनि शिंगणापुर में भी जो ट्रस्टी अध्यक्षा थी उनको मैंने पूछा था कि आप क्यों विरोध कर रही है, आप तो पे हमारी वजह से महिलाओं को वहाँ पे स्थान मिला, आप चेयरपर्सन बन गई। तो उन्होंने कहा कि हमारा मन बहुत है कि आपको वहाँ पे छोड़ा जाए, लेकिन ये लोग हमें विरोध करते हैं, अगर हमने आपको सपोर्ट किया तो हमें ये गांव में नहीं रहने देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो डर के वजह से हमें विरोध किया गया था, तो मुझे लगता है कि ये विरोध हमारी मतलब हमारे नजरिए से बिल्कुल कुछ नहीं था। अच्छा, गुड टू हियर दैट। तो मैं छोटा सा पॉप क्विज आपको यू नो आपके साथ लूंगी, आप मुझे या वन वर्ड या वन सेंटेंस आंसर्स दे देना। रेडी? यस। तो बोलते हैं कि तृप्ति देसाई क्या फेमिनिस्ट है, क्या एक्टिविस्ट है, क्या बहुत बड़ी डिवोटी है जैसे भक्त हैं, या पॉलिटिशियन है कि गुरु है, इन सब टर्म्स में से आपको क्या लगता है आप क्या हैं? मुझे लगता है कि मैं एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा। और वो भी एग्रेसिव। अच्छा। और यू नो आप क्या ज़्यादा रिलीजियस हैं कि स्पिरिचुअल हैं?
ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा यू नो कि आपके हस्बैंड ने भी बोला था कि आप स्पिरिचुअल हैं फिर भी आप रिलीजियस कॉजेस के लिए फाइट कर रहे हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है मैं स्पिरिचुअल हूँ, इसीलिए ये आंदोलन यशस्वी हुए। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो भूमता ब्रिगेड का मूवमेंट है वो क्या रियली वुमेन को हेल्प कर रहा है, यस और नो? बिल्कुल यस। तो फिर भूमता ब्रिगेड का नेक्स्ट गोल क्या है? भूमाता ब्रिगेड का नेक्स्ट गोल ही यही है कि महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए। और आपके लिए अल्टीमेट आपका पर्सनल गोल क्या है? आई मीन डू यू वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन? आपको एक्टिविस्ट ही रहना है? आप चाहती हैं कि यू नो जो वुमेन्स इक्वालिटी मूवमेंट हो वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम सोसाइटी में चला जाए? क्या आप गुरु बन जाएंगी? आपका पर्सनल नेक्स्ट गोल क्या है? मेरा पर्सनल गोल यही है कि मैं एक्टिविस्ट थी, एक्टिविस्ट हूँ और एक्टिविस्ट ही रहोगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है वो हमारा मतलब यूज़ किया जाता है। और मुझे लगता है कि हमारा कोई यूज़ ना करे। आपने देखा होगा कि आंदोलन में जो मसल पावर यूज़ हुई थी, हम जो एग्रेसिव हुए थे, तो कोई पार्टी हमें यूज़ ना करे। अच्छा। तो ये जो मसल पावर है, ये जो एग्रेसिवनेस है, ये महिलाओं के अच्छे दिनों के लिए हम यूज़ करें, और इसीलिए मैं एक्टिविस्ट रहना ही पसंद करूँगी। वेरी गुड, आई विश यू ऑल द बेस्ट विद दैट। थैंक यू। No, Tripti Desai ji has been deconstructing the inherent patriarchy that has seeped into the religious psyche of our country, and we know you have many battles ahead of you. We wish you all the best for that. Thank you. Thank you so much, Tripti ji. Thank you.